हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। सो चलिए बिना कुछ फालतू बात किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को क्वेरी है कि ये PW वाले अलग सर ने UPSC बैच लॉन्च किया है, उसमें कौन कौन से बैच लॉन्च हुए हैं एंड कौन कौन इसको ज्वाइन कर सकता है, सो एंड कितने फैकल्टीज हमें पढ़ाने वाले हैं बैच में, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। सो आज ये इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ स्क्रीन पे एंड दिखाती हूँ उनके ऑफिशियल साइट से ही। एंड गाइस, अभी अभी गुड न्यूज़ आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आया हुआ है कि अभी अभी बुनियाद बैच लॉन्च हुआ है, जो कि NCERT बेस है और ये कम्प्लीटली फ्री है। इसके लिए कुछ भी आपको पे नहीं करना है। सो ये गुड न्यूज़ है। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है। सो गाइस, इसको मैं टाइप कर रही हूँ पर ओपन नहीं हो रहा है। चलिए मैं साइट्स पे लेके जाती हूँ, आपको दिखा रही हूँ मैं यहाँ से। गाइस मैं आपको यहाँ से ओपन करके दिखाती हूँ, क्योंकि ऐप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कुछ है नहीं, उन्होंने अलाउड नहीं किया होगा मे बी, सो वो स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको लेके आई उनके ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे आपको देख सकते हैं बुनियाद बैच का इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, जो कि मंजू मैम है, मंजू चौधरी मैम, एंड सेकंड वन इज़ लोकेश त्रिपाठी सर। ये दो लोग बुनियाद बैच को चलाने वाले हैं। इस पे ये दो टीचर्स हमें पढ़ाएंगे, जो कि NCERT बेस्ड है, आप देख सकते हैं। और इसमें इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। यहाँ पे आपको मिल जा रहा है ऑप्शन, आपको आप अपने फ्रेंड्स के साथ देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इसको। एंड बैक जाके हम देखते हैं, ये चलिए UPSC वाले सेक्शन में जाके देखते हैं बाकी कुछ। ये टाइटन बैच है 2024 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, जो 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। एंड यहाँ पे संकल्प बैच है हिंदी मीडियम वालों के लिए, प्रहार बैच जो है 2023 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए लॉन्च किया है सर ने। इसका प्राइस आपको दिख ही रहा है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है पहले ही, सो आप उसको देख सकते हैं। एंड ये प्रहार बैच हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। एंड ये बुनियाद बैच जो है अभी अभी लॉन्च हुआ है ये। सो ये देखिए शेड्यूल किया हुआ है, क्लास टाइमिंग है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये मैम ने लॉन्च किया है अभी अभी, इन्होंने रिलीज़ किया इसको 4 PM का जो है, देख सकते हैं आप टाइमिंग है अभी 3:54 हो रहा है, अभी कुछ मिनट में ये क्लास स्टार्ट होने वाला है, जो कि इसका ये रहेगा अपना ये देखिए आप डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन 01 बुनियाद बैच जो NCERT बेस्ड है ये। सो यहाँ से ये लोग NCERT से कवर कराएंगे। एंड इसमें आज के लिए बस इतना ही, इसमें यही क्लास शेड्यूल हुआ है, अभी कुछ मिनट में ये स्टार्ट हो जाएगा। सो चलिए हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं कि बहुत सारे लोगों का क्वेरी, कितने फैकल्टीज़ हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, और क्लास कब से एग्जैक्ट स्टार्ट हो रहा है। सो फिर से हम आ जाते हैं UPSC वाले सेक्शन में एंड चलते हैं प्रहार 2023 वाले बैच पे। इसको मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। सो ये देखिए यहाँ पे आपको डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं सभी सर ने डेमो लेक्चर लिया हुआ है। एंड यहाँ पे वीकली शेड्यूल है, तो चलिए हम देखते हैं फैकल्टीज़ के बारे में
यहाँ पे फैकल्टीज के कौन कौन से हैं? सो गाइस, यहाँ हम आ चुके हैं फैकल्टीज़ के ऊपर। यहाँ पे आके हम देखते हैं, ये देखिए पहले बैचेस के डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। इसको मैंने पहले भी वीडियोस में दिखा दिया है और यहाँ पे डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। चलिए फैकल्टीज़ मेन पॉइंट पे आते हैं। फैकल्टीज़ कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए कैप्टन संजय गहलोत सर है मे बी, और ये इनका चलिए देख लेते हैं क्या है। ये देखिए सर का एक्सपीरियंस वगैरह, इज़ द फॉर्मर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स IRS। ये पढ़ाएंगे हमें ऐसे इंटरनेशनल सिक्योरिटीज स्ट्रेटजी वगैरह। एक्सपीरियंस इनका आपको दिख ही रहा है। कैप्टन संजय गहलोत इज़ एन आर्मी वेटरन। सो इनके बारे में अब ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी के सामने हैं। एंड सेकेंड वन है हमारे डॉक्टर जिया सर, जो इनका भी क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, MBA गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, MA इन हिस्ट्री फ्रॉम IGNU PhD। सो इनकी भी क्वालिफिकेशंस आपको दिख रही हैं यहाँ पे। ये हो गए हमारे सेकेंड फैकल्टी, सॉरी फर्स्ट वाला तो मैंने दिखाया ही नहीं। गैस ये देख लीजिए, ये है हमारे फर्स्ट टॉपर, ये एथिक्स पढ़ाएंगे कृष्णा मोहन सर। एंड यहाँ पे हैं हमारे अभिषेक श्रीवास्तव सर, इनका भी आपको क्वालिफिकेशन दिख रहा है, ग्रेजुएट फ्रॉम इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी कोलकाता। ये हमें हिस्ट्री पढ़ाएंगे, इनकी भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस आपको दिख रहे हैं, सो आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं, सो ये फोर्थ वन है आई थिंक, सॉरी 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर पे हैं अखिलेश गौर सर। चलिए अब इनकी क्वालिफिकेशंस और इनकी एक्सपीरियंसेस क्या हैं इनके, ये सब देख लेते हैं। गाइस ये देखिए UPSC IES 2 times क्वालिफाइड विथ 98 and 56 AIR UPSC CSE मेंस अपीयर्ड। ये सर हैं जो अखिलेश गौर सर, ये मेंस में भी अपीयर्ड हुए हैं 2 times एंड इंटरव्यू तक गए हैं ये 1 time। सो इनका एक्सपीरियंस भी आप देख सकते हैं, इनकी क्वालिफिकेशंस दिख रही हैं। चलिए बात कर लेते हैं सिक्स्थ वन कपिल सिक्का सर, चलिए इनका इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। सो यहाँ पे इनका भी दिख रहा है, स्पेशलाइज्ड इन टीचिंग इंडियन पॉलिटी इंडियन इकोनॉमी ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया विथ एंड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन लीडिंग इंस्टीट्यूट्स इकोनॉमी हमें पढ़ाने वाले हैं ये। इनकी एक्सपीरियंसेस इधर दिख रही है आपको, आप देख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम आदित्य तिवारी सर, ये पॉलिटी लेने वाले हैं हमारा पॉलिटी लेक्चर। इनके बारे में कुछ एक्सपीरियंस वगैरह कुछ दिया नहीं गया है, आई डोंट नो व्हाई। अब बात कर लेते हैं नंकी मैम, नंकी बावेजा मैम, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। क्वालिफाइड कंपनी सिक्योर सेक्रेटरी एंड होल्ड्स एंड MBA इन फाइनेंस, इकॉनमी पढ़ाने वाली हैं ये मैम। देखिए इनका जो भी ये दिख रहा है एक्सपीरियंस वगैरह, एक्सपीरियंस ऑफ मेंटरिंग 5000+ स्टूडेंट्स इन देयर UPSC जर्नी। वाओ, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एंड होल्ड्स एंड MBA इन फाइनेंस। एंड बात करते हैं श्रेया त्यागी मैम का, चलिए देख लेते हैं इनका। श्रेया त्यागी मैम BSc बॉटनी केमिस्ट्री एंड जूलॉजी एंड क्वालिफाइड IIT जैम पोस्ट ग्रेजुएट, इनका पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट LLB फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये हमें एनवायरमेंट पढ़ाने वाली हैं मैम। इनका 5+ ईयर्स एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस मेंटरिंग 45,000+ स्टूडेंट्स फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस,
बाकी इनका एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दिख ही रहा है, बीएससी एक्सेट्रा है, एलएलबी फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली से किया हुआ है मैम ने। अब बात कर लेते हैं सोनिया आहूजा मैम की। सो यहाँ पे हैं हमारी सोनिया आहूजा मैम, ये हमें पढ़ाने वाली हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, एमए पॉलिटिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जेएनयू दिल्ली, बीए इन सोशल साइंस तीसा मुंबई। एंड यहाँ पे मैम की भी क्वालिफिकेशंस दिख रही हैं, आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गौरव झा सर का, चलिए देखते हैं सर के बारे में क्या है इन्फॉर्मेशन। कंप्लीटेड बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड मास्टर्स पॉल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीए एलएलबी फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ, ये हमें पढ़ाएंगे पीएसआईआर। आई डोंट नो ऑप्शनल वाला पीएसआईआर पढ़ाएंगे या फिर क्या है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे है सर ने ऐड करा हुआ है पीएसआईआर के लिए। अगर ये पीएसआईआर पढ़ाते हैं तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पीएसआईआर ही है। मेरे लिए ये एक प्लस पॉइंट होगा एंड उन सबके लिए होगा जिन लोग भी पीएसआईआर लिए हुए हैं उनका ऑप्शनल है। चलिए बात कर लेते हैं अदर फैकल्टीज़ के बारे में। ये देखिए यहाँ पे लास्ट वन दिख रहा है विशाखा डागुर मैम का, बट इनके बारे में इनकी कोई प्रोफाइल भी नहीं है। साइंस एंड टेक के लिए हैं मैम, इनकी कोई प्रोफाइल भी नहीं दिख रही है एंड कुछ भी मतलब इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया हुआ है। इनके बारे में जितना है उतना ही है। चलिए देखते कितने फैकल्टीज टोटल हो रहे हैं, देखते हैं। नंबर वन टू एंड ये हो गई हमारी फोर्थ नंबर मैम एंड फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन इलेवन ट्वेल्व एंड ये हमारे टॉप पे जो सर हैं ये हो गए 13। गाइस मैंने अभी मॉर्निंग में चेक किया था तो तभी हमारे फैकल्टीज़ में दिख रहे थे कुछ 8-9 टीचर्स थे एंड अभी इतने सारे। गुड न्यूज़ है, अच्छी बात है। चलिए हमने देख लिया फैकल्टीज़ के बारे में, इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल गई एंड अभी तक कोई भी ऐसे क्लास शेड्यूल नहीं हुआ है एंड ये एग्जैक्टली स्टार्ट होने वाला है गाइस 6th नवंबर का लगा हुआ है, बाकी देखते हैं कब से स्टार्ट होता है, वैसे तो 6th का ही लगा हुआ है। चलिए देखते हैं कैसा रहता है जर्नी। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बैच के लिए, इससे पहले भी मैंने कभी भी यूपीएससी का कोई भी कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं किया, जो भी सेल्फ स्टडीज़ वगैरह था, बट ये पता नहीं क्यों देख के मुझे बहुत ही सॉलिड सा आया कि मुझे ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। मैंने किया ये, क्योंकि इसमें 2023 का जो है वो कंप्लीट कराने वाले हैं सर। देखिए इधर दिख रहा है यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है स्टार्टिंग डेट 2022 7th नवंबर। देखते हैं शेड्यूल में तो 6 लगाया गया है, यहाँ पे 7th दिया है, तो जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। एंड एज अ बीइंग अ मेंबर ऑफ यूपीएससी वाला
मैं आप सभी को ट्राई करूँगी कि आप सबको ये सर इनके बारे में इन्फॉर्मेशंस मैं देती हूँ, मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो भी मैं स्टडी करती हूँ इसमें, आई विल ट्राई टू इन्फॉर्म यू गाइस। सो आप बने रहिएगा वीडियो में। बाकी मेरा मेन पर्पस यही था कि मैं आप सभी को ये आप सभी से शेयर करूं। बहुत सारे लोगों का क्वायरी था ये, बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि मतलब इसका क्या रहने वाला, डिटेल्स वगैरह सभी चीज़ों को लेके कंफ्यूज थे काफ़ी लोग, स्पेशली ये फैकल्टीज़ जो हैं, फैकल्टीज़ को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, कितने फैकल्टीज़ होने वाले हैं एंड उनकी क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है, मतलब किस टाइप के टीचर्स होंगे। सो सभी सब तो आपके सामने हैं, अभी आप देख लीजिए। बाकी जिसको ज्वाइन करना था कर लिया है सबने, मैंने भी कर लिया है, मुझे भी करना था, मुझे लगा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, सो मैंने भी ज्वाइन कर लिया है। बाकी मैं आप सभी को अपडेट देते रहूँगी कैसा बैच है, कैसे स्टडी हो रही है, बाकी मतलब क्वालिटी क्या है, कंटेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आई विल ट्राई टू अपडेट विथ यू। सो बने रहिएगा चैनल पे, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मुझे आइडियाज़ देते रहिए कि किस टाइप के वीडियोज़ मुझे बनाने चाहिए। वैसे तो मेरा स्टडी ब्लॉग वीडियो है, पहले कुछ और था, बट अभी मैं स्टडी ब्लॉग करने का सोची हूँ। सो जब भी टाइम मिलता है मैं ब्लॉग करती हूँ, वैसे तो ज़्यादा फोकस नहीं हो पाती हूँ ब्लॉग वगैरह पे, बट जैसे ही टाइम मिलता है थोड़ा बहुत शूट कर पाती हूँ तो मैं अपडेट कर देती हूँ। सो गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, इसके लिए आई रियली वेरी सॉरी, बट ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी। सो मैंने ये इसके ऊपर वीडियो बनाया। वैसे अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। सो अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं वीडियोज़ लाती रहूँगी एंड आपका जो भी रहेगा क्वेश्चन एंड क्वेरीज आप कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर ट्राई करूँगी कि लेके आऊँ। एंड यहाँ पे आप देख लीजिए एफएक्यूज़ हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, सो इसको शूट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं लगता इन्फॉर्मेशन अब देने की ज़रूरत है। तो गाइस इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ट्राई करूँगी फिर से कोई और वीडियो बनाऊँ अगर ज़रूरत पड़ती है इसकी, फिर से कोई नीड पड़ती है किसी भी इंफॉर्मेशन एंड अपडेट की। सो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो गाइस सपोर्ट करती रहिए, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय, थैंक यू।